हेलो जांगियंस, मैं काजल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल हमारी दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि हम सभी देर रात तक जागते हैं। मानो रात तक जागना एक ट्रेंड सा हो गया है। हम सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, डिवाइसेस के आसपास रहते हैं, हमारे लैपटॉप फोन हमेशा ऑन रहते हैं। नतीजा ये होता है कि सुबह का जो कीमती समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुबह की जो सूरज की किरणें हैं वो ऊर्जा से भरी होती हैं, वो हम मिस कर देते हैं सोने की वजह से। ये वो समय होता है जब मन बहुत शांत रहता है, आसपास कोई शोर शराबा नहीं हो रहा होता, कोई आपको मैसेजेस नहीं कर रहा होता, कोई मेल नहीं कर रहा होता है, और इस समय जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहता है। सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दिन भर की थकान के बाद हमें एक लंबी नींद मिल चुकी होती है और हमारा शरीर जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए काफी हद तक तैयार हो जाता है। सुबह के महत्व के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना ही होगा या पढ़ा होगा, परंतु इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह सुबह उठना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिससे आप आसानी से सुबह उठ सकते हैं। पर क्या है ये बेसिक फंडामेंटल, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी ओजांग सर के कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने दिनचर्या की शुरुआत सुचारू रूप से कर सकते हैं। स्टडीज एंड रिसर्च के अनुसार ये तय हो चुका है कि हमारे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, जिनका इस्तेमाल हम अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनमें से नीले रंग का प्रकाश हमारे स्लीपिंग पैटर्न यानी कि हमारे सोने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करके रख देता है और हमारी नींद धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह सवेरे वही व्यक्ति उठ सकता है जो रात के समय टाइम पर सो सके, और टाइम पर हम तब सो सकते हैं जब हम इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के लिए कुछ गोल्डन रूल हैं, आइए आपको बताते हैं। नंबर वन पे आपको ये काम करना है कि आपको एक अलार्म लगा के रखना है, या जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ नोटिफिकेशन डाल लीजिए कि मुझे 9 बजे के बाद फोन को यूज नहीं करना है। आप रात में 9 बजे के बाद फोन को बंद कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। नंबर टू है, अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए और अच्छी नींद के लिए आपको अपने कमरे का तापमान सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एसी में सोते हैं, कूलर में सोते हैं या कहीं पे भी, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो दोनों कंडीशन में आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आप अच्छी नींद लाने का प्रयास करिए और अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करें। नंबर तीन, सोने से एक घंटे पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। नंबर चार, आप इन पदार्थों का सेवन ना करें अगर कोई भी ऐसा फूड जिसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन या बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे पनीर का खाना या चने। अगर आप रात में सोने से पहले इनका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली इससे भी आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। खानपान के बाद बात करें स्लीपिंग पैटर्न की, तो कोशिश करिए कि रात में 10 बजे तक आप सो जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रात में 12-1 बजे सोने के बाद हम सुबह 4-5 बजे उठ पाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिन भर की आपकी पढ़ने की प्रक्रिया होती है वो बहुत थका देने वाली प्रक्रिया है। मतलब यहाँ 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वर्क कैसा है। अब इतना करने के बाद आप सुबह उठ सकते हैं। ज्यादातर लोग आज के समय में अलार्म अपने मोबाइल में रखते हैं और मोबाइल यूजुअली बेड के बगल में रखने की आदत होती है। यहाँ पर आप कन्वेक्शन मेथड पर जा सकते हैं, एक तीखा अलार्म जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अलार्म कर्कश आवाज करता है। कोशिश करिए कि इसको आप काफी दूर रख दें, जहाँ पर आपको अपना बेड छोड़कर उठना पड़े, और अगर आप इस अलार्म को काफी दूर रखते हैं तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है कि सुबह अगर आप उठते हैं तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं कि या तो मैं दोबारा सो जाऊं या तत्काल मैं पढ़ने बैठ जाऊं। जनरली जो आपकी चॉइस होती है उसको आलस पूरा होने नहीं देता और आप फिर से सोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं,
आप ताड़ासन कर सकते हैं। जैसे ही आप अलार्म बंद करने के लिए उठें, आप वहीं पर रुकिए और वहां पर अपने बॉडी को स्ट्रेच करिए और वहीं पर एड़ी को उठाइए और पंजों के बल खड़े हो जाइए और हाथों को ऊपर उठाकर अपने आप को स्ट्रेच करिए। आप महसूस करिएगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो गया है। ताड़ासन का जो ये प्रयोग होता है, ये पूरे शरीर को खींचता है और खींचने के दौरान आपका आलस है वो टूट जाता है या खत्म हो जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन आपको एक्टिव कर देता है। उसके तुरंत बाद आप वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धो सकते हैं और उसके बाद आप 2 से 3 ग्लास पानी पीजिए। ऐसा करके आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बॉडी स्लीप साइकिल में होती है तो हाइड्रेशन नहीं हो पाता, तो उसे भी आलस घेर लेता है। अगर आप उठने के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं तो ये आपको हाइड्रेट कर देगा और वहाँ पर आपका सिस्टम रन करना शुरू कर जाएगा और आप आलस से बाहर निकल आएंगे। इसके पश्चात आप उठते ही कोशिश करिए कि पूरी बॉडी स्ट्रेच करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें 10 से 15 मिनट और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो आना शुरू हो जाएगा। ये जो 15 मिनट का समय होता है, यही सबसे मुश्किल समय होता है। अगर आपने ये मुश्किल समय को काट लिया तो सुबह उठना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस मेथड का यूज करके आप सुबह आसानी से उठ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में जो सफल लोग हैं वो सुबह 8 बजे से पहले ही अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा काम कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एटलीस्ट सुबह के 2 से 3 घंटे उस विषय को दीजिए जो आपको कठिन लगते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो सब्जेक्ट जो आपके लिए चैलेंज है। तो सुबह का जो ये समय है जो शांत होगा, ये दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ने के मुकाबले आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। तो जो मेथड्स हमने आपको बताए हैं उसे जरूर फॉलो करिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो बताना चाहा आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।